STEM Solutions. Discover yourself. Hello human and aliens, welcome back to STEM Solutions. Today we are going to learn about applications of plane surfaces in double integrals. So let's get started. So हम start करते हैं applications area enclosed by plane curves in double integrals. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में और वहाँ पे दो कर्व्स ड्रॉ करेंगे. ये वाला कर्व ए बी कर्व हो जाएगा F1x एंड डी सी कर्व हो जाएगा F2x. और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट है, सो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा ए डी और बी सी. फिर हम एक थिन स्ट्रिप कंस्ट्रक्ट करेंगे के और एल, जिसका लेंथ होगा के और एल और इसका जो विड्थ होगा वो हो जाएगा डी एक्स होगा, छोटी सी जो विड्थ होगी इसकी डी एक्स होगी. और यहाँ पे इस स्ट्रिप पे दो पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, एक पी और एक क्यू. जो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई रेस्पेक्टिवली. और जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इंटू बी होता है तो यहाँ पे डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, सो एरिया पी क्यू इक्वल टू डी एक्स डी वाई. एरिया ऑफ स्ट्रिप के एल क्या हो जाएगा, इस पूरे y पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सो y टेंड्स टू ज़ीरो डी एक्स डी वाई. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट है और y वेरी करता है f1x2 f2x, ये जो दोनों कर्व्स हैं, सो यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रिप के एल क्या हो जाएगा, चेंज इन x, ये जो एरिया है चेंज इन x जो हॉरिजॉन्टल होगा ये चेंज इन x होगा क्योंकि हमने वर्टिकल ले रखा है, सो लिमिट टेंस टू ज़ीरो f1x टू f2x. पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में. तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, चेंज इन x f1x टू f2x डी वाई. ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. फिर हम क्या एडअप करेंगे, जो ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स है वो x1 से x12 तक का हम पूरी उसको एडअप करेंगे. तो क्या हो जाएगा, चेंज इन x x1 टू x2, जैसे कि यहाँ पे x1 टू x2 यहाँ पे हम लिमिट लेंगे और चेंज इन x लेंगे, वही यहाँ पे लिख रहे हैं हम x1 टू x2 चेंज इन x x टेंड्स टू ज़ीरो. और जो दूसरा हमारा कर्व का फंक्शन था f1x टू f2x dy. तो ये फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 टू x2 चेंज इन x f1x टू f2x चेंज इन y. ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो उसके लिए हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं P. यहाँ पे हमने ये दो रेडियस ले रखे हैं, एक रेडियस हो जाएगा OP एंड दूसरा रेडियस हो जाएगा O2S. और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक थीटा चेंज करते हैं तो पहला रेडियस हो जाएगा O2R एंड देन दूसरा रेडियस हो जाएगा O2Q. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले रखे हैं P और Q. ठीक है, तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट से R थीटा और Q के कोऑर्डिनेट से r प्लस डी आर थीटा प्लस डी थीटा. क्योंकि r की वैल्यू ये होती है ना, जो ये पी आर हो गया, पी आर इसका जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, r इंटू चेंज इन थीटा. क्योंकि थीटा क्या होता है, l बाई r होता है, देयरफॉर पी एस क्या हो जाएगा, ये जो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन r. क्योंकि रेडियस पी टू एस यहाँ पर चेंज हो रहा है. ठीक है, सो एरिया ऑफ कर्विलिनियर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल होगा एक तरह के से कर्विलिनियर, सो इसका एरिया क्या होगा, चेंज इन आर इन टू आर डी थीटा. तो वही लिखा हुआ है. दैन इफ द होल एरिया इज डिवाइडेड इन सच ए कर्विलिनियर रेक्टेंगल द सम इक्वल टू समेशन डबल समेशन ऑफ आर डी थीटा डी आर टेकन फॉर ऑल रेक्टेंगल्स गिव्स द लिमिट एरिया. तो हम इसका पूरा एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, आर इक्वल टू ज़ीरो थीटा इक्वल टू ज़ीरो. सिमिलरली फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर. ठीक है, फाइनली अब एग्जांपल देखते हैं. पहला एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ए प्लेट इन अ फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ द एलिप्स. यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन. और अगर हमने एरिया कहाँ पे निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकालना है इस एलिप्स का. तो ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया एक्स और वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होती है इसका एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा और वाई इक्वल टू बी हो जाएगा, जो मेजर और माइनस एक्सिस होती है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया K2L और जो इसकी विड्थ होगी वो dx होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो हमने MN ले लिया और इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, dy होगी। सो हम क्या करेंगे, वर्टिकल इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले। तो y एट k क्या है, यहाँ पे y क्या है, ज़ीरो है, और y एट l क्या है, l पे क्या है, यहाँ से हम इस इक्वेशन हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र डी वाई। और फिर हम x की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमने एक बार वर्टिकली इंटीग्रेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a, देयरफॉर 0 टू a dx। और सिंपली इसको फर्दर इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में किया था। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। So that the area between parabolas y equal to 4ax and x square equal to 4ay is 16 by 3a square। हमें दो पैराबोला दे रखे हैं और प्रूव करना है कि उसका एरिया इतना है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे और उसके अंदर y equal to 4ax का ये पैराबोला हो जाएगा ओ टू ए, ये वाला ऊपर वाला, एंड देन x square equal to 4ay का ये पैराबोला हो जाएगा। और हम यहाँ पे भी वर्टिकली इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, x एट ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो होगा, और x एट ए क्या होगा, 4a होगा। तो x की लिमिट हमें मिल गई 0 टू 4a, एंड अब y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। y की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी होती है, यहाँ 0 से लेके a तक वेरी होती है। यहाँ पे नीचे कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। तो वही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपर लिमिट पे, अंडर रूट 2ax, 2 अंडर रूट ax, ठीक है, डी वाई डी एक्स। और फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू 4a, फर्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अपर माइनस लोअर लिमिट dx, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और लिमिट्स पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन चाहिए वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 ए स्क्वायर। थर्ड एग्जांपल में एक एसिम्प्टोट दे रखा है और बोल रखा है कैलकुलेट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व आर इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस कोस थीटा एंड इट्स एसिम्प्टोट। क्या होता है, एक लाइन होता है जो फर्द जो किसी भी एक एक्सिस से कुछ एक मेजरमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। एंड एसिम्प्टोट इज लाइन that a curve approaches as it heads towards the infinity। ये इसी डेफिनेशन है। और r यहाँ पे कहाँ से कहाँ वैरी होता है वो देखते हैं। r है 0 टू a sec थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे हम एक थीटा ले लेंगे। r कहाँ से कहाँ वैरी होगा, यहाँ से p डैश। यहाँ पे पहले वो देखते हैं, ये जो एसिम्प्टोट ये है और ये जो p डैश है a sec थीटा हो गया, और ये जो दूसरा p डैश जो p है यहाँ से जो r की वैल्यू है एग्जैक्टली ये यहाँ तक वेरी करती है sec थीटा प्लस cos थीटा। जो थीटा है वो 0 टू पाई बाई 2 पे वेरी करता है इस पे, क्योंकि हमने पूरा निकालना है तो वो हम एंड में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, और ये जो थीटा की वैल्यू आ गई 0 टू पाई बाई 2, और जो रेडियस है वो a sec थीटा से लेके a sec थीटा प्लस cos थीटा। ये हमारे पास लिमिट्स आ गई आर डी आर डी थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर हम इसको करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट्स पुट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा पुट करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाई 4। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्ड्रॉयड आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। रेडियस हमें दे रखा है और आउटसाइड सर्कल आर इक्वल टू ए दे रखा है, और इनके बिटवीन जो एरिया है उसका हमें डिफाइन फाइंड आउट करना कितना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी ओ डी रिप्रेजेंट्स कार्ड्रॉयड। ये जो आउटर एरिया है पूरा कार्ड्रॉयड है, और जो सी बी ए और डी सी है ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और इनके बीच में जो एरिया आता है उसका हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो थीटा क्या होगा, ये वाला एरिया आएगा, तो हमें थीटा क्या होगा 0 to π/2 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों साइड का लेना है। तो पहले एक हाफ लेंगे, फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। और आर कहाँ से कहाँ वैरी करता है, आर वैरी करता है A2 यहाँ से A, जो रेडियस इसकी A है, जो सर्कल की रेडियस A है, ठीक है, और जो कार्ड्रॉइड की रेडियस है A1 + cos θ, वहाँ तक R वैरी करता है। सो R की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, R और R = A, देन R = A1 + cos θ, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 to π/2 और ये इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। सिंपली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा A² / 4π + 8। So that's it for today. Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.